अगली खबर है ठगों से जुड़ी हुई। साथी ठग ने युवकों को सेना में भर्ती के सुनहरे सपने दिखाकर 2 दर्जन से अधिक लोगों को चूना लगाया है। लाखों रुपए ऐंठने के बाद सेना में भर्ती का फर्जी लेटर भी पकड़ा दिया था। पीड़ितों को जब अपने साथ हुई ठगी की जानकारी हुई तो थाने में शिकायत दर्ज कराई है। 2 थानों में आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। बताया जाता है कि अभिषेक कुशवाहा निवासी बरेती कला पनवार ने तराई अंचल में बेरोजगार युवकों को ठगी का शिकार बनाया है। सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों को झांसे में लिया और आरोपी ने खुद को सेना में लिपिक बताते हुए लोगों को झांसे में लिया और सेना में भर्ती करवाने की एवज में रुपए ऐंठ लिए। पुलिस ने आरोपी से कई सेना से जुड़े हुए दस्तावेज, परिचय पत्र और अन्य सामान बरामद किया है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। आइए सुनते हैं किस तरह से आरोपी की करतूतों का खुलासा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, आराम कर लो, इसलिए मंगवा लिया हमने कि वो आपको इसमें एक आरोपी अभिषेक कुशवाहा ने बेरोजगार युवक को ठगने के लिए एक रणनीति के तहत अपने यहाँ पर लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि का उपयोग करके आर्मी भर्ती के नाम पर उसको ठगने का पूरी तैयारी की, जिसमें कि जैसा आप देख रहे हैं उन्होंने विभिन्न प्रकार के आईडी कार्ड डेवलप किए, विभिन्न बैचेस आर्मी के, विभिन्न डिजाइन के काफी सामान इकट्ठा किया, कैप, यूनिफॉर्म आर्टिकल्स, जिससे कि वो सामने वाले को इस बात का पूरी तरह विश्वास दिला सके कि ये आर्मी की भर्ती ही हो रही है और उसमें ही उनको नियुक्ति मिलेगी, रोजगार मिलेगा, वेतन मिलेगा। इसके चलते इस युवक ने इनसे बातचीत जारी रखी। जब इस व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली तो उसकी खोजबीन की गई, पड़ताल की गई और इसको पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर FIR दर्ज की और इसको राउंडअप किया है। अभी हम लोगों ने जो पूछताछ की है तो ऐसी जानकारी मिल रही है हमको और लोगों को भी इसने ऐसा ठगा है और हमने एक FIR भी अन्य थाने अतरला में पंजीबद्ध कर ली है। एक व्यक्ति और है अभी जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो संपर्क में है, वो भी आएंगे, उनकी भी FIR दर्ज की जाएगी। तो 3 प्रकरण तो अभी हमारे सामने क्लियर है जिसमें इस व्यक्ति ने आर्मी भर्ती के लिए लोगों को ठगने का काम किया है और काफी हमारे पास एविडेंस भी हमने कलेक्ट कर लिए है। अभी हम इससे और पूछताछ कर रहे हैं कि इसके कोई साथी तो नहीं है, ग्रुप तो नहीं है, विभिन्न एंगल पे इस पर बातचीत चल रही है और जब हमारी पूरी तस्दीक हो जाएगी तब हम इसके बारे में और डेवलपमेंट जो भी होंगे वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। ये ग्रुप कब से एक्टिव? अभी ये ज्यादा पुरानी घटना नहीं है और जैसा कि मैंने आपको बताया पूछताछ शुरू हुई है। अब हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में आने के पश्चात अन्य कोई व्यक्ति भी सामने आए और बताए कि पूर्व में ऐसी घटना हमारे साथ हुई है। कई बार व्यक्ति घटना के बाद डायरेक्ट नहीं आते पुलिस के पास और वो प्रयास करते रहते हैं कि हमारा राशि वापस हो जाए, तो उनकी वार्ता चलती रहती है। परंतु मुझे विश्वास है कि अगर कल न्यूज़पेपर्स में और आपके द्वारा मीडिया में आएगा तो हो सकता है और भी फरियादी आए तो हम लोग तत्काल उस पर भी एक्शन लेंगे। इसका कोई राशि फिक्स नहीं थी, 4 लाख से लेके 6 लाख जो इसका बातचीत जैसे जम जाए और ये डिपेंडिंग ऑन कि वो व्यक्ति कितना सक्षम है, क्योंकि इसको तो पूरी राशि फ्री मिलनी थी तो ये उस हिसाब से, पर ये अपना जो प्रेजेंटेशन ऐसे करता था कि सामने वाले को पूरा भरोसा हो जाए, उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर जारी करना, उसको सारी आर्मी भर्ती चीजों से पूरा अट्रैक्ट करना, विश्वास दिलाना टाइप का। पदों में भर्ती देता था सर ये, अभी तो भर्ती देता था प्राथमिक रूप से उनका कहना था कि आपकी भर्ती केवल एक सिपाही के रूप में ही होगी आर्मी में, उसके पश्चात रैंक वाली बात इनसे भी हमने नहीं की है। रैंक की पूछताछ करेंगे कि भाई रैंक वाली आपकी क्या अलग कोई वो थी क्या।